आप सभी को जय मसीह की। आई होप आप मेरे को सुन पा रहे हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो ज़रूर से आप कमेंट लिख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, जैसे भी है। और हम बस कुछ ही क्षण में शुरू करेंगे। ये समय रहेगा कि हम जो है कुछ क्षण प्रभु के वचन में देखेंगे, प्रार्थना करेंगे और कुछ गीतों को भी गाएंगे। जस्ट 1 मिनट और हम वेट करेंगे एंड देन उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की। ओके, मेरा नाम हर्षित है और मैं दिल्ली से हूँ। और दिल्ली में मैं एक कलीसिया की सेवकाई कर रहा हूँ, कलीसिया में सेवकाई कर रहा हूँ। और उस कलीसिया का जो नाम है वो DBF है, दिल्ली बाइबल फेलोशिप। और दिल्ली बाइबल फेलोशिप की जो सेंट्रल कॉन्ग्रीगेशन है, जिसको हम सत्संग बोलते हैं, उसकी जो हिंदी कलीसिया है, सत्संग जो है हिंदी कलीसिया है, उसमें मैं सेवकाई कर रहा हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोग के बीच यहाँ पे आ सका। एंड धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी आगरा मसीह मंडली के लिए कि जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए ये सभा को हम शुरू करेंगे और आइए हम प्रार्थना करें और फिर कुछ गीतों को गाएंगे और फिर वचन से देखेंगे। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन जो है हमें उत्साहित करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं संगति के लिए, भले ही हम वी आर फार अपार्ट किलोमीटर्स, लेकिन प्रभु तब भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जुड़ सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी प्रार्थना करना चाहते हैं, जब हम कुछ गीतों को गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं, तो प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आपको ये गीत ग्रहण योग्य होने पाए। साथ ही प्रभु जी, जब आपके वचन से भी सीखते हैं, तो प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आप हम सभी से बात करें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। और ये भी अनुरोध करते हैं प्रभु के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय में हमारे साथ जुड़ने पाएँ कि हम एक साथ मिल के आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। अगर आप मेरे को अच्छे से सुन पा रहे हैं, इफ़ माई ऑडियो इज़ फाइन, तो यू कैन जस्ट गिव अ थम्स अप सो दैट मेरे को पता रहेगा कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है। सो इफ इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, यू कैन जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके। ऑलराइट, लेट्स सिंग सम सॉन्ग्स। आइए हम प्रभु की आराधना करें और कुछ गीतों को हम गाएंगे। और पहला गीत जो हम गाने जा रहे हैं, गीत जो है हमें बस एक सच्चाई बताता है, और गीत जो है हमें बस ये बताता है कि परमेश्वर जो है आदि है, अंत है, अल्फा है, उमेगा है। आइए इस गीत को जब हम गाते हैं तो प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। ये पुराना गीत है तो आई एम श्योर हम में से कई लोगों को ये गीत आता होगा, तो आप जहां पर भी हैं साथ में बैठ के गुनगुना सकते हैं और साथ में गा सकते हैं। लेट्स सिंग। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा।
तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजा का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, जीवन मेरा पाप से भरा, शुभ सरा जीवन मेरा पापों से भरा, जगा मेरा और शुभ सरा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, है यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, सारे गुण गारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई घोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई घोड़ों की मार भी पर उसने अपनी जान, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने हमें दिया है, और जिस तरीके से एक गीत कहता है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू अच्छा है, तू भला है, तू महान है। इस समय प्रभु हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं हम सब एक मन हो के यही कहते हैं, प्रभु तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि तू हमारा उद्धार करता है प्रभु। और इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और अपने आप को नम्र करते हैं, अपने हृदयों को नम्र करते हैं प्रभु, और आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति निरंतर बनी रहे प्रभु, ये विनती करते हैं, हमारे जीवन से आपको महिमा स्तुति मिलती रहे प्रभु, ये प्रार्थना कहते हैं। लेकिन इस समय प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनको उद्धार की ज़रूरत है, उद्धार की तलाश में है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो चंगाई को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके नाम में सामर्थ है। और इस समय प्रभु इस गीत के द्वारा भी हम बस उसी नाम की दुहाई देना चाहते हैं, जिस नाम से अंधे देखने लगते हैं, जिस नाम से कोढ़ी चंगे हो जाते हैं, जिस नाम से हमारे पाप क्षमा होते हैं। आइए इस गीत को हम गाएं, गीत
काफी प्रसिद्ध गीत है। गीत कहता है, उद्धार है, चंगाई है यीशु नाम में। Let's sing this song together. उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु देते हैं आपके नाम में सामर्थ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका नाम मधुर है, आपका नाम मीठा है, आपका नाम सच्चा है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपका वचन हमें बताता है कि
कि हम प्रेशियस हैं और आप हमारे लिए इस संसार पे आए और हमें आपने चंगाई दे दी, मुक्ति दे दी, उद्धार दे दिया उस सलीबी मौत के द्वारा। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि अपने वचन के द्वारा हम सभी से आप इस समय बात करें। प्रभु जी हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है। लॉर्ड यू स्पीक टू अस एट दिस टाइम। लेट दिस टाइम बी अ ब्लेसेड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए ये समय जो है आशीषित समय होने पाए, बढ़ोतरी का समय होने पाए, सीखने का समय होने पाए और प्रभु और अधिक हम विश्वास योग्य रह सके आपके प्रति, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी हर तरीके के टेक्निकल ग्लिच से बचाएं इस समय और बस प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने भी लोग सुनते हैं आज आपका वचन और आने वाले समय में इस लाइव के द्वारा जब बहुत सारे लोग आपका वचन सुनते हैं तो प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु कि उन सब के लिए ये वचन जो है एक एक आशीषमय वचन हो, चैलेंजिंग वचन हो और साथ ही प्रार्थना करते हैं कि आत्मिक बढ़ोतरी वाला ये समय होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ओके, एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की एंड आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये लाइव फेसबुक लाइव पे एंड एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई अनुपम का, सिस्टर रेणुका का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, जिनके द्वारा मैं आपके साथ जुड़ सका। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड। मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके से वचन कहता है ना कि जब भाई लोग इनफैक्ट एवरीबॉडी जब मिलते हैं तो प्रभु की उपस्थिति होती है। सो लेट्स डाइव इन टू द वर्ड। आज जो है हम वचन में जाएंगे इस समय और आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सर्मन्स जो मैंने अभी तक प्रचार किया है। और मैं यही विचार कर रहा था कि मैं क्या शेयर करूं आपके साथ, क्या शेयर करूं, तो जस्ट ये था कि ये वचन मैं आज आपके साथ बांट सकूं। एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सर्मन्स जो मैंने मतलब प्रभु ने रेवलेशन दिया और वचन का अध्ययन करने के बाद मैं ये सर्मन लिख सका। एंड मैं आपके साथ जब ये बांटता हूं तो ये सिर्फ सिर्फ आप पे लागू नहीं होता लेकिन मेरे पे भी लागू होता है। सो जस्ट ये है कि हम इस समय वचन में जाएंगे। आर यू रेडी टू हियर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए इस समय तैयार हैं? क्योंकि आप भले ही मतलब हम प्रेजेंट हो सकते हैं इस लाइव पे लेकिन शायद हम कुछ काम कर रहे हों या व्यस्त हों या कैसे भी हो, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हम देखते हैं ये बड़ा ही गंभीर समय होता है क्योंकि साक्षात परमेश्वर के जो बोल हैं, परमेश्वर का जो वचन है वो हमें मिलता है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि हम कुछ क्षण के लिए जो है अपना पूरा जो केंद्र है परमेश्वर के वचन में डालेंगे। ऑलराइट, सो अगर आपने चार्ल्स स्विंडल का नाम सुना है, जिनको चक स्विंडल भी बोलते हैं, इनकी एक बड़ी अच्छी एक बुक है। बुक का जो नाम है, जो शीर्षक है, वो है द ग्रेस अवेकनिंग। द ग्रेस अवेकनिंग जो है इस बुक का नाम है। वो बड़ी अच्छी बुक है, अगर आपको समय मिले तो आप पढ़ सकते हैं। इट्स अ गुड बुक। सो ग्रेस अवेकनिंग के अंदर चक स्विंडल जो है बड़ा एक विचित्र सा सवाल हमारे सामने रखते हैं और उस सवाल मैं आपको इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर उसके बाद हिंदी में अनुवाद करूंगा। द क्वेश्चन गोज एज एज लाइक दिस, हाउ टू मेस अप द माइंड्स ऑफ योर चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों के दिमाग को कैसे गड़बड़ या कंफ्यूज करें, वो एक सवाल जो है इस किताब में वो पूछते हैं। और ये सवाल पूछने के बाद थोड़ी देर में ही वो इसका जवाब भी देते हैं कि हाउ टू मेस अप द माइंड ऑफ योर चिल्ड्रेन। तो वो जवाब देते हैं और कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज वो बोलते हैं, उनका पालन पोषण दिखावे की आत्मिकता वाला करें, बाइबल को रूल बुक की तरह उनके उनको बताएं। ये एक चीज वो बोलते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं फेक योर फेथ, यानी अपना विश्वास बच्चों को आधा अधूरा दिखाएं। ये दूसरा पॉइंट बोलते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में वो बोलते हैं दूसरों के सामने, लोगों के सामने, जब आपके बच्चे भी साथ हो तो एक बड़ी लंबी लिस्ट रखें कार्यों की जो आप करते हैं, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, तो उन कार्यों में से कुछ भी नहीं करते हैं।
ये तीसरी चीज बोलते हैं। फिर चौथी चीज चीज वो बोलते हैं, कहते हैं कार्य एक तरह ही से करें लेकिन जिए दूसरी तरीके से। हाँ, एक्ट इन वन वे बट लिव अनदर वे। चक स्विंडल जो है ये चार पॉइंट्स लिखते हैं, और उसके बाद बड़े बड़े ही बोल्डनेस के साथ ना वो नीचे लिख देते हैं, अगर आप ये कर रहे हैं तो इट इज सर्टन दैट इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डैमेज इज ऑकर्ड। अगर ऐसा कोई करता है तो उनके बच्चों के अंदर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डैमेज होना अनिवार्य है, या होना ही है। हाँ, होना ही है। तो ये सवाल वो रखते हैं कि अपने बच्चों के दिमाग को कैसे कंफ्यूज करें, वो ये सवाल रखते हैं और वो चार पॉइंट्स देते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे चार चीजें उसके जीवन में पाई जाती हैं, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, या ऐसे जीवन को क्या बोलेंगे, इस तरीके के जीवन शैली को क्या बोलेंगे? अगर एक सिंपल शब्द में बोलूं, अगर एक सिंपल वर्ड में मैं बोलूं, तो इसको जो है हिपोक्रेसी बोलते हैं, या ढोंगी बोलते हैं, या ढोंगीपना बोलते हैं। तो मैं बस विचार कर रहा था कि ये हिपोक्रेसी होती क्या है। बहुत बार पढ़ते हैं, आसपास भी पढ़ते हैं, ढोंगी ढोंगी शब्द पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? तो मतलब मैंने गूगल बाबा की मदद ली एंड जस्ट मैंने ढूंढा कि मतलब क्या होता है। ऑलराइट, सो हिपोक्रेसी मीन्स बिहेवियर इन विच समबडी प्रिटेंड्स टू हैव मॉरल स्टैंडर्ड्स और ओपिनियंस दैट ही और शी डज नॉट रियली हैव। इसका मतलब ये वास्तविकता के विपरीत जीवन शैली को ढोंगीपना बोलते हैं। यानी उच्च नैतिक मानदंड तो है लेकिन व्यवहार जो है उससे बिल्कुल विपरीत है। सो जो हिपोक्रेसी है, या ढोंगीपना है, या ढोंगी जीवन है, उसका उसका जो मीनिंग है वो बेसिकली ये है, मैं बोल कुछ रहा हूं और कर कुछ रहा हूं। हाँ, मैं बोलता तो हूं कि ये ऐसा जीवन जीना चाहिए लेकिन मेरा जीवन वैसा है ही नहीं, उससे ढोंगी जीवन कहते हैं। और मैं इस पे जब और विचार कर रहा था तो प्लीज इसको मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई ये है, हिपोक्रेसी इज वेरी मच फाउंड अमंग्स बिलीवर्स। मैं क्यों कह रहा था ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सर्मन्स है, क्योंकि ये बिलीवर्स पे बहुत लागू होती है ना। सो आई डोंट नो, आई यू कैन थिंक अबाउट इट। हाँ, कि जो जो हिपोक्रेसी है इज वेरी मच फाउंड अमंग्स बिलीवर्स। हाँ, बहुत से मसीह हैं जो जो कलीसिया के गेट से बाहर निकलते ही उनका जीवन शैली बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल विपरीत हो जाता है। हाँ, बहुत से मसीह ऐसे हैं जो प्रोमिसेस बड़े बड़े करते हैं, क्लेम्स बड़े बड़े करते हैं। हाँ, क्लेम्स बड़े बड़े करते हैं लेकिन जब जब उसको जीने की बात आती है तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हाँ, वो क्लेम्स बड़े बड़े करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि पास्टर के सामने वो बड़े स्पिरिचुअल दिखाई दें। अब बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए जीते हैं कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मुझे बड़ा बढ़िया मसीह जान लें, बस वही काफी है, प्रभु के बाद में देखेंगे। बहुत से मसीह ऐसे हैं, दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट पीपल अराउंड एंड देयर ओपिनियन अबाउट देम, दैट्स व्हाट दे वांट टू नो, दैट्स द ओनली थिंग दैट दे आर मोर कंसर्न अबाउट। सो इस समय हमारे पास जितना समय है, हम इस समय जो है हम बाइबल में जाएंगे, और मैं आपके साथ दो चीजें शेयर करना चाहता हूं, दो प्रमुख चीजें मैं आपके साथ आज के वचन से शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि हिपोक्रेसी इज अ टूल दैट सेटन यूजेस टू पुल डाउन इवन द बिलीवर्स। हाँ, ढोंगी जीवन, हाँ, या हिपोक्रिटिकल जो जीवन है वो शैतान जो है इस्तेमाल करता है विश्वासियों को नीचे गिराने के लिए। शैतान का वो एक टूल है विश्वासियों को नीचे गिराने के लिए, हिपोक्रेसी। और दूसरी चीज हम जो आज देखेंगे वो ये देखेंगे कि ठीक है, अगर ऐसा है तो इससे लड़ा कैसे जाए, हाउ शुड वी डील विद इट, हाउ शुड वी फाइट अगेंस्ट इट। हम इन दो चीजों को जो है इस समय देखेंगे। सो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, और उसकी 1 से लेके 11 आयत तक को जो है हम इस समय मनन करेंगे। और चर्च में मतलब डीबीएफ सत्संग के अंदर जो मेरी कलीसिया है, हम पूरे एक्ट्स की किताब पे अध्ययन कर रहे हैं, और बड़ा मजा आ रहा है पूरी एक्ट्स की किताब को पे अध्ययन करने में, बिकॉज इट इज फिल्ड विद लॉट ऑफ स्टफ
ना बहुत ही सीखने को आए इसके अंदर, बहुत सारे इंकरेजमेंट है एंड बहुत सारे वार्निंग सिग्नल्स भी हैं इस पूरी किताब के अंदर। सो मैं आपके साथ इसी से शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आपने निकाल लिया है प्रेरित तो काम 5वां अध्याय 1 से लेकर 11वीं आयत तक को जो है हम इस समय देखेंगे। सो जस्ट टू गिव अ क्विक रिकैप या क्विक बैकग्राउंड अगर मैं आपको दे दूं 1 से लेकर 4 अध्याय तक क्या क्या हुआ है, हम देखते हैं 1 से लेकर 4 अध्यायों के बीच में कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और फिर इसके बाद उनका स्वर्गारोहण हो गया है। स्वर्गारोहण होने के बाद जो चेले हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो रखे हैं और वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये प्रॉमिस दिया गया है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा और जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा तब तुम बाहर जाना। तो चेले वहां पर हैं और पवित्र आत्मा आता है, चेले जो है अन्य भाषा में बोल रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कलीसिया का जन्म हो जाता है। हाँ, कलीसिया का जन्म हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं, जल्दी जल्दी चलूंगा मैं, कि चेले जो है सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और ऑपोजिशंस भी आ रहे हैं। हाँ, लोगों के ऑपोजिशन भी आ रहे हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो बिलीवर्स की जो कम्युनिटी है या विश्वासी गण जो है या कलीसिया जो है वो एक साथ मिले हुए हैं और बड़ा सुंदर हम देखते हैं कि दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेस। हाँ, अभी तक ये सारी चीजें जो है हम देख सकते हैं 1 से लेकर 4 अध्यायों के बीच में। और अब जब हम आते हैं 5वें अध्याय के अंदर 1 से लेकर 11 आयत में, तो हम ये देखते हैं कि लूका हमारे सामने रखता है, लूका जो कि इस बुक का लिखने वाला है, तो लूका हमारे सामने रखता है कि चर्च में या क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर सब कुछ परफेक्ट नहीं था। क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर एवरीथिंग वॉज नॉट परफेक्ट। हाँ, और अब वो जो है एक इंसिडेंट हमारे सामने रख देता है, एक इंसिडेंट हमारे सामने रख देता है। सो आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं, मैं साथ साथ आपके पढ़ता भी जाऊंगा। पहली और दूसरी आयत में हम जो है देखते हैं, यहाँ पे लिखा है हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। सब देख सकते हैं ये इंसिडेंट जो है एक फैमिली के बारे में इंसिडेंट है, मेनली एक हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में इंसिडेंट है जिनका नाम है हनन्या और सफीरा। बट इंटरेस्टिंगली हनन्या और सफीरा दोनों जो है विश्वासी हैं, बिलीवर हैं। हाँ, या दूसरे शब्दों में बोलूं, दे आर पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी। वो जो है मसीही कम्युनिटी का हिस्सा है, फेलोशिप में वो जुड़े हुए हैं, ये दोनों ही फेलोशिप में जुड़े हुए हैं, दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हनन्या और सफीरा। और फिर आगे जो वचन हमें बताता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ भूमि बेची। हाँ, कुछ भूमि बेची और हमें ये सवाल करना है कि क्यों बेची। हाँ, वाई आर दे सेलिंग देयर लैंड। और इसको जानने के लिए हमें कुछ आयतें हमें पीछे जाना पड़ेगा और हम जब कुछ आयतें पीछे जाते हैं 4वें अध्याय में देखते हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग कलीसिया में जुड़ने जा रहे थे, जुड़ रहे थे, हजारों की तादाद में लोग कलीसिया में जुड़ रहे थे, एक बहुत ही अच्छी चीज वहां पे हो रही थी, वो ये हो रही थी, बाइबल बताती है कि दे वर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज। हाँ, वो जो रिसोर्सेज हैं उनकी वो शेयर कर रहे थे। हाँ, लोग अपनी चीजों को बेच के ले आते थे सामान और जिनको जरूरत होती थी उनको वो मुहैया कराते थे। और हम देखते हैं कि पिछली आयतों में, मतलब 4वें अध्याय की आखिरी कुछ आयतों के अंदर हम देखते हैं बर्नबास का एग्जाम्पल कि बर्नबास ने अपनी जमीन बेची और बताती है बाइबल कि उन्होंने जो है पैसे लाकर प्रेरितों के पांव पे रख दिए। तो ये सब चीजें हो रही है एंड आई एम श्योर आप सोचेंगे, अगर इस पर विचार करें तो आई एम 100% श्योर जब बर्नबास ने वो पैसे लाके रखे होंगे प्रेरितों के पास तो ही वुड हैव बीन प्रेस्ड, है ना, प्रेरितों ने जो है उसकी प्रशंसा की होगी कि यार गुड जॉब बर्नबास कि आपने जो है अपने भाइयों के लिए इतने बड़ी चीज कर दी। हाँ, आप जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप विश्वासी हैं, आप मजबूत हैं। हाँ, प्रेरितों ने प्रेस किया होगा, इजंट इट? हाँ, डू यू अग्री और नॉट? प्रेस किया होगा। हम भी अपनी कलीसियों में जब कोई व्यक्ति दान देता है या बड़ी ऑफरिंग देता है तो पास्टर जो है उनकी प्रशंसा करते हैं, होता है ऐसा। अब आप ये देखिए, सोचिए कि जब हम 5वें अध्याय में आते हैं तो आई एम श्योर हनन्या और सफीरा ने ये देखा होगा कि यार ये इसने कर दिया
ना, इसकी तो बड़ी अच्छी प्रशंसा हुई। हाँ, तो उन्होंने भी जो है ये विचार किया, चलो हम भी अपने जमीन को बेच देते हैं। हाँ, ये प्रशंसा, ये ऐसा एटमॉस्फेयर देखने के बाद हनन्याह सफीरा ऑल्सो सोल्ड देयर लैंड। लेकिन नोटिस करिए, दूसरी दूसरी आयत के अंदर हम देखते हैं उन्होंने बेची तो सही, लेकिन दूसरी आयत हमारे सामने रखती है उसके दाम में से कुछ उन्होंने जो है रख छोड़ा, उन्होंने रख छोड़ा। अब बाइबल ही हमारे सामने क्यों रख रही है? हाँ, व्हाई इज द वर्ड ब्रिंगिंग दिस टू अस? हम बर्नबास ने पूरा दिया, पूरा मनी दे दिया था, जो भी उसका आमदनी हुई सब उसने दे दिया। लेकिन यहां पे हम देखते हैं हनन्या और सफीरा ने कुछ पार्ट दिया है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अब आप ध्यान से सोचें, अगर तो ये कुछ रख छोड़ना इज नॉट रॉन्ग इन इट सेल्फ, ये अपने में गलत नहीं है। हाँ, अपने में गलत नहीं है कि अगर उसने बेच दिया, अपने पास कुछ रख छोड़ा, अपने में गलत नहीं है। लेकिन अगर हमारे सामने बाइबल ये लेके आ रही है तो इसका मतलब ये है, हमें ये समझ में आता है कि हनन्या और सफीरा ने शायद प्रॉमिस कुछ किया पब्लिकली, लेकिन जब असलियत आई तो उन्होंने कुछ और कर दिया। हाँ, दे मस्ट हैव प्रॉमिस्ड एंड प्रोक्लेम पब्लिकली कि हम, हाँ हम पूरा दे देंगे, हम ये करने जा रहे हैं, हम पूरा दे देंगे। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में क्या हुआ? बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, उन्होंने कुछ रख छोड़ा। एंड इंटरेस्टिंगली बाइबल ये भी मेंशन करती है ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ, ये बात उसकी पत्नी भी जानती, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं है, ये फैमिली डिसीजन था। हाँ, ये फैमिली डिसीजन था, दोनों हनन्या और सफीरा ने, दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम ये करेंगे। और फिर आगे देखते हैं जल्दी से, 3 और 4 आयत के अंदर कहते हैं, पत्रस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है ना? सो जब इन्होंने ये कर दिया, बेच दी जमीन, लाके जितना भी अमाउंट थोड़ा रख दिया, दे थॉट दैट दे विल बी प्रेज्ड। हाँ, दे बोथ एंटिसिपेटेड दैट दे विल बी प्रेस्ड। हाँ, उनको ये लगा कि जिस तरीके से बर्नबास को प्रशंसा मिली, इन्हें भी लगी, इन्हें भी मिलेगी। हाँ, ही थॉट, आई मीन दे थॉट दैट दे कुड गेट द सेम रिजल्ट एज बर्नबास मोर चीपली, मतलब इतना सा दे दो और प्रशंसा मिल जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपेंड, बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, और पत्रस जो है उनको कुछ और जवाब देता है। अब आप ये सोचिए कि ये तो फैमिली डिसीजन था, हम फैमिली डिसीजन घर में लेते हैं, तो पत्रस को कैसे पता चला कि इन्होंने ये गड़बड़ कर दी है? ऑफ कोर्स होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति तो है वहां पे, पवित्र आत्मा के द्वारा जो है पत्रस को पता चल गया कि इन्होंने ये किया है। हाँ, नीति वचन 15:3 कहता है, नीति वचन 15:3 कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। एंड आई थिंक ये हनन्या और सफीरा जो तो कपल हैं, ये भूल गए, दे फॉरगॉट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। वो अपने सामने पवित्र आत्मा के कार्यों को देख सकते हैं, हाँ पवित्र आत्मा के कार्यों को देख सकते हैं, लेकिन दे फॉरगॉट द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हम जो विश्वासी गण हैं, हम भी कभी कभी ऐसे जीवन बिताते हैं। हाँ, हमें लगता है कि चर्च का कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं यार, जीवन जी लेते हैं, चर्च का कोई नहीं देख रहा है, देखी जाएगी बाद में। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हर समय, हर घड़ी, हर दिन, हर सेकेंड है। सो पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए, पहली चीज हमारे सामने आती है वो ये है, वी नीड टू नो एंड रिमाइंड आवर सेल्व दैट आवर गॉड इज लिविंग एंड ऑलवेज प्रेजेंट। हमें जो है अपने आप को ये याद दिलाना है बार बार कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है और हर समय उपस्थित है, हर समय उपस्थित है। हम में से कई लोग जो है इस तरीके से जीवन बिताते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर सिर्फ बिल्डिंग में उपस्थित है। हाँ, चर्च में आ जाओ तो परमेश्वर की उपस्थिति हमें मिल जाएगी,
लेकिन ऐसा नहीं है। वचन जो है प्रेरितों के काम 17:24 में बड़ा सुंदर कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, नहीं रहता। और मैं आपसे इस समय यह पूछना चाहता हूं, है ना, हम लोग बहुत बार इस चीज पे बात करते हैं कि मेरी कठिनाइयों में हर समय परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जब ट्रबल टाइम से होकर गुजर रहा हूं तो परमेश्वर की उपस्थिति है। ये सब हम सुनते हैं, हम प्रोक्लेम करते हैं, हम क्लेम करते हैं, हम प्रार्थनाओं में बोलते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करने में ये बोलते हैं। अगर यही बात है तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, अगर परमेश्वर मेरी कठिनाइयों में हर समय मेरे साथ उपस्थित है, then is he also present when I'm sinning? क्या वो तब भी उपस्थित है जब मैं पाप कर रहा हूं, जब मैं दोगला जीवन जी रहा हूं, क्या वो उपस्थित है? You can just give a thumbs up if you want. So पहली चीज हम यहां पे देखते हैं, हम we can fight against hypocrisy. हम जो मसीह जीवन में जो हम कभी कभी दोगला जीवन जीने लग जाते हैं, हम पहली चीज कैसे उसको लड़ सकते हैं, पहली चीज ये है कि हमें अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि गॉड इज वॉचिंग अस, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर वो मेरी कठिनाइयों में मेरे साथ है तो जब मैं पाप करने जा रहा हूं तब भी वो मुझे देख रहा है। मुझे अपने आप को ये याद दिलाने की जरूरत है, बार बार याद दिलाने की जरूरत है। ऑलराइट, सो पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। पतरस जो है उनको रिब्यूक कर रहा है और बोल रहा है, व्हाई डिड यू डू इट, हाँ तुमने ये क्यों किया? और दूसरे शब्दों में बोलूं तो पतरस उन्हें ये कह रहा है कि जब तुम्हारे पास ये ऑप्शन था कि तुम शैतान को रिब्यूक कर सको तो तुम क्यों नहीं कर सके, तुम कैसे शैतान के बहकावे में आ गए? हाँ, शैतान ट्रिक्ड यू इन थिंकिंग, अरे इतना पैसा क्यों दे रहा है, आधा रख ले तेरा शायद ये काम हो जाएगा, इतना पैसा क्यों दे रहा है। हाँ, शैतान ने शायद तुम्हें इस तरीके से बहका दिया कि अरे इतना पैसा क्यों डाल रहा है, किसी को क्या पता चलेगा, आखिर प्रशंसा ही तो चाहिए, तुझे मिल जाएगी। हाँ, या शैतान ने तुम्हें इस तरीके से बहका दिया कि इतना दे दे काफी है, लोग तब भी तेरी प्रशंसा करेंगे। हाँ, पतरस यही कह रहा है उनको कि तुम कैसे भरमाए गए। हाँ, पीटर इज सेइंग, व्हाई डिड यू गेट ट्रिक्ड व्हेन यू हैड एन ऑप्शन टू रिब्यूक सैतान, तुम कैसे शैतान के द्वारा भरमाए गए जबकि तुम्हारे पास ये ऑप्शन था कि तुम उसको रिब्यूक कर सको। पतरस कह रहा है हनन्या सफीरा को। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसी चीज कभी हुई है कि आप शैतान के द्वारा भरमाए गए हैं? नहीं, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मनी, मैं सिर्फ पैसे को लेके बात नहीं कर रहा, मैं सब चीजों को लेके बात कर रहा हूं। हाँ, कि शैतान ने शायद आपको इस तरीके से भरमा दिया ये कह के, अरे पास्टर के सामने ऐसा दिखा दे चलेगा, बाहर थोड़ी ना कोई देख रहा है तुझे, ऐसे जी ले कोई बात नहीं। लेकिन याकूब 4:7 कहता है, जेम्स 4:7 सेज, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, इजंट इट अमेजिंग, इजंट दिस वर्स अमेजिंग। फिर आगे देखते हैं पतरस क्या कहता है। पतरस कहता है, जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। पतरस जो है यहां पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवील कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हनन्या सफीरा, यू आर नॉट बाउंड टू गिव एनी गिफ्ट टू द चर्च। हाँ, यू आर नॉट बाउंड, तुम बाध्य नहीं थे कि तुम आके कलीसिया में गिफ्ट दो। हर मोड़ पे जब तुमने ये विचार किया, जब तुम अपनी जमीन बेचने जा रहे थे, जब डील हो गई, जब सारे सिग्नेचर, हर मोड़ पे तुम फ्री थे, तुम फ्री थे, यू कुड हैव एक्टेड द वे यू वांटेड। अगर तुम कलीसिया में कुछ भी नहीं लाते, कुछ भी नहीं देते, कुछ भी डोनेशन नहीं देते, तब भी तुम स्वीकार्य थे, तब भी तुम स्वीकार्य थे, परमेश्वर तुमसे तब भी प्रेम करता है।
लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तब हुई जब तुमने परमेश्वर को झूठ बोला। द ब्लंडर हैपेंड बिकॉज दे लाइड टू गॉड। हाँ, ब्लंडर गड़बड़ी तब हो गई जब उन्होंने परमेश्वर को झूठ बोला, परमेश्वर को झूठ बोला। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय इब्रानियों 10:31 में जब हम देखते हैं तो वचन कहता है, जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यू शुड राइट दिस डाउन समवेयर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द बिलीवर्स। हाँ, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। सो मेरे को ध्यान से सुनिए, मेरे को ध्यान से सुनिए ये चीज। बहुत समय हम लोगों को दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े आत्मिक वादे कर देते हैं, दोगला जीवन जीते हैं, और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी वहां उपस्थित है ना। प्रकाशित वाक्य में हम गुनगुनेपन का जो उदाहरण देखते हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ल्यूकवार्मनेस। हाँ, उदाहरण हम वो देखते हैं इस चीज का, यहाँ पे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं हम क्या हश्र हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। हम देखते हैं ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। डेंजरस डेंजरस वेरी डेंजरस रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। बट यही खत्म नहीं होती है। 7 से 10 आयत को हम जल्दी देखें तो यहां लिखा है, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारी पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। हनन्या का बहुत बुरा हश्र हुआ। 3 घंटे के बाद सफीरा भी आती है, और सफीरा के आने के बाद पतरस उसे सवाल करता है, मुझे बता, क्या तुमने सच में इतने में ही ये भूमि बेची थी? आइडियली इट्स अ रेड फ्लैग फॉर अ सफीरा। अ सफीरा के लिए एक रेड फ्लैग है, लेकिन हम देखते हैं उसका जवाब, आएंगे उस पे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, या आप विचार करें इस बारे में कि पतरस ये सवाल क्यों कर रहा है। आप विचार करें कि क्यों कर रहा है ये सवाल क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि हनन्या का तो चलो हो गया, लेकिन सफीरा वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट एंड कन्फेस। सफीरा को वो समय दिया पतरस ने कि तू पश्चाताप कर और कन्फेस कर कि तूने ये गड़बड़ करी है। हाँ, गड़बड़ गड़बड़ करी है, उसको वो समय दिया। इनफैक्ट जब हम शुरुआत में इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब हनन्या ने ये डिसीजन किया तो सफीरा भी वहां उपस्थित थी। सफीरा के पास स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये समय था, ये ऑप्शन था कि वो अपने पति को करेक्ट कर सके, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने पति के साथ जाना ठीक समझा। और यहां पे भी हम देखते हैं पत्रस जब उसे सवाल करता है और उसको अपॉर्चुनिटी देता है कन्फेस करने की, रिपेंट करने की, लेकिन तब भी यहां पे भी जो है सफीरा जो है वो अपने पति के साथ जाना चूज कर रही है। अब आप सोच के बताइएगा, इज शी अ गुड वाइफ? क्या वो एक अच्छी पत्नी है? क्या वो एक अच्छी पत्नी है? क्योंकि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो वो यही बोलते हैं ना कि पति जो कर रहा है पत्नी को उसके साथ में ही रहना है। वी हैव दैट टर्मिनोलॉजी कॉल्ड पति परमेश्वर। यहां पे भी सफीरा वही वही चीज कर रही है। लेकिन एक चीज प्रमुखता हमारे सामने आती है, और मैं जितनी भी बहनें हैं जो मैरिड लेडीज हैं, मैं आपसे इस समय ये कहना चाहता हूं, अगर आपके पति परमेश्वर से दूर हैं तो आपके पास समय है कि आप उन्हें यीशु से मिलवाएं। पहली चीज, सिर्फ मैं मैरिड लेडीज के लिए बोल रहा हूं ये। अगर आपके पति ढोंगी जीवन जी रहे हैं, दोगला जीवन जी रहे हैं, और आप उसका साथ दे रही हैं ये सोच के कि मैं एक अच्छी पत्नी हूं, तो आई एम सॉरी, आप गलत कर रही हैं। एक और बात,
अगर आपके परिवार में मसीह को सीरियसली नहीं लिया जाता है, अगर आपके परिवार में यीशु मसीह को सीरियसली नहीं लिया जाता है और आप ये जानती हैं और तब भी कुछ नहीं कर रही हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं। लेट मी से दैट अगेन, आप भी जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहना ही सर्वप्रथम है। यह आपके पति से जरूरी है, या आपके बच्चों से जरूरी है, आपके परिवार से जरूरी है, या आपके खुद के जीवन से भी जरूरी है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना। सो जस्ट लाइक सफीरा है ना, सफीरा की तरह हमारे पास भी समय रहता है, हमारे पास भी समय है अभी कि हम पश्चाताप करें। और यहां पे हम दूसरी चीज सीखते हैं कि कैसे मैं अपने दोगले जीवन से लड़ सकता हूं, वो ये है कि मैं रोज पश्चाताप करूं। वो इसलिए क्योंकि ढोंगी जीवन जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेट्स फेस इट। हाँ, हिपोक्रेसी हैपेंस ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि मैं आसपास के लोग जो मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके सामने गॉडली दिखना चाहता हूं, मैं उनके सामने अच्छा दिखना चाहता हूं, और उस अच्छाई के डिजायर के वजह से जो है, मैं जो मेरा सच्चाई है उसको कारपेट के नीचे डाल देता हूं और अपने सामने एक मास्क लगा लेता हूं, और मैं भूल जाता हूं कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है रोज निरंतर जो है पश्चाताप करें। आखिरी चीज हम देखते हैं 11वीं आयत में, कहती है सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। इनफैक्ट जस्ट फॉर बाइबल इंफॉर्मेशन, दिस इज द प्लेस जहां पे हम चर्च वर्ड सबसे पहली बार देखते हैं। हाँ, जस्ट 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 फॉर बाइबल इंफॉर्मेशन। हाँ, सो नोटिस करिए, हाँ, ये इंसिडेंट के द्वारा बाइबल बताती है सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। इसका मतलब ये है द चर्च गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस हिपोक्रेसी इज फॉर गॉड। कलीसिया को समझ में आ गया परमेश्वर के लिए ढोंगी जीवन बड़ा ही गंभीर बात है, बड़ा ही गंभीर बात है। और आज भी प्रिय भाई बहनों यही प्रॉब्लम है। हाँ, हमने अपने आप को ऐसे सरमन से घेर लिया है जो सिर्फ एक फील गुड फैक्टर सरमन है। हाँ, हम सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करता है, मैं सुनना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है मेरे साथ हमेशा रहेगा, मेरी कठिनाइयों में मेरे साथ रहेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर गुडनेस एवरी टाइम। हाँ, मैं सुनना चाहता हूं कि प्रचारक आके बोले कि तुम डेविड हो, तुम डैनियल हो, तुम एस्तर हो, तुम ये हो। मैं इनकरेजिंग सर्मन से ही घिरा रहना चाहता हूं क्योंकि वो मेरे कानों को अच्छा सुनाई देता है। और फिर जब हफ्ते के बीच में आगे बढ़ते हैं तो शैतान जो है एक छोटी चीज सी चीज ला के मुझे वो ढोंगी जीवन जीने पे मजबूर कर देता है, छोटी सी चीज ला के। और पहला कुरंथियो, बाइबल बड़ा सुंदर कहती है, पहला कुरंथियो 11:30-32, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। सो तीसरी चीज और आखिरी चीज हम देखते हैं, वी कैन फाइट अगेंस्ट हिपोक्रेसी इन आर लाइव्स व्हेन वी हैव फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो भय है हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, तीसरी चीज हम देखते हैं। सो तीन चीजें जो है हमने देखी, हाउ कैन वी डील और फाइट विद हिपोक्रेसी इन आर लाइव्स। पहली चीज हमने देखी, नो दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, जाने और अपने माने कि परमेश्वर जो है सब कुछ देख रहा है। दूसरा कि रिपेंट ऑफ सिन ऑफ हिपोक्रेसी, जब जब मैं ऐसा जीवन जीता हूं मुझे पश्चाताप करना है और पश्चाताप करके छोड़ देना है वो चीजें। और तीसरी चीज, परमेश्वर का भय मेरे अंदर होना चाहिए, मेरे अंदर होना चाहिए। सो जस्ट टू सम अप एवरीथिंग, हनन्या और सफीरा जो है हमारे सामने क्लासिक एग्जाम्पल है हिपोक्रेसी अमंग बिलीवर्स। द बेस्ट पार्ट इज है ना, द बेस्ट पार्ट इज ये कोई गैर विश्वासी नहीं है ना, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिपोक्रेसी अमंग क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस हु फेक देयर स्पिरिचुअलिटी टू इम्प्रेस अदर्स। मसीह लोग जो अपने आत्मिक जीवन का ढोंग रचते हैं सिर्फ आसपास के लोगों को के सामने वो स्पिरिचुअल बनने का। जैसे मैं कह रहा था, हनन्या और सफीरा बिलीवर्स हैं भाई, लेकिन तब भी वो उन्होंने ये चुनाव किया कि वो ये दोगला जीवन जिएंगे। हाँ, उन्होंने उन्होंने प्रॉमिस तो किया कि वो सब दे देंगे, लेकिन
लेकिन जब बात आई देने की तो उन्होंने अपने आप पे कुछ रख लिया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये सर्मन सिर्फ पैसे को लेके नहीं है। गॉड डजंट डजंट वॉन्ट योर मनी, नो नो नो, ही डजंट वॉन्ट योर मनी, बट द थिंग दैट ही डिमांड्स इज योर जेन्युइनिटी एंड फेथफुलनेस। परमेश्वर जो आपसे मांगता है वो है आपका विश्वास योग्य जीवन, विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता। सो जस्ट इस समय मैं ये खत्म करूंगा और मैं आपके सामने बस यही रखना चाहता हूं कि शैतान के पास जो है ये एक टूल है। हाँ, सेटन यूजेस दिस एज अ टूल टू हिट द बिलीवर्स। हम में से कोई भी जो है इससे बचावा नहीं है। हाँ, आप विचार करें, सोचें, कब कब आप ऐसा जीवन जिए हैं जो परमेश्वर, जिसको जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, या दोगला जीवन जिए हैं कि कलीसिया में कुछ और बाहर कुछ और, चाहे वो मेरे शब्द, चाहे वो मेरी आंख, चाहे वो मेरे बोल, चाहे वो मेरे दिमाग, चाहे वो मेरे विचार, किसी भी चीज से, हर एक चीज से। परमेश्वर जो है हमारी विश्वास योग्यता हमसे डिमांड करता है, हमसे वो मांगता है। क्यों क्यों मांगता है? वो इसलिए मांगता है, वो इसलिए मांगता है क्योंकि उसने अपनी विश्वास योग्यता हमें दिखाई है। उसने अपनी विश्वास योग्यता हमें दिखाई है उस क्रूस पे अपनी जान देके। कोई मनुष्य नहीं मरा है क्रूस पे। हम क्यों मनुष्यों को खुश करने के पीछे रहते हैं, मनुष्यों को अपनी आत्मिकता दिखाने के पीछे रहते हैं? मनुष्य नहीं मरा है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र, एक लौता पुत्र जो मानव जाति के लिए संसार में जन्म लिया, वो मरा है। ही डाइड एंड शोड हाउ मच ही लव्स अस। जीसस पेड दैट प्राइस फॉर आर सिंस एंड फ्रीड अस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो हैं उसे ही, आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट उसे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है। सो तीन चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज तो हमने ये देख ली कि कोई भी विश्वासी इस चीज से बचा नहीं है, इस दोगले जीवन से बचा नहीं है। हम हर कोई जो यहाँ पे उपस्थित है, जो आगे देखेंगे भी, हम हर व्यक्ति, हर कोई इस चीज से जूझते हैं, इस चीज से होके गुजरते हैं हर दिन हर समय। लेकिन तीन चीजें हमने देखी आज कि कैसे मैं इससे लड़ सकता हूं। पहला है, नो दैट गॉड इज वॉचिंग। पहला ये जान लीजिए, रिमाइंड कराइए अपने आप को बार बार, हर समय, कि मुझे प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। दूसरा, हाँ हो जाता है, ये नश्वर शरीर है, अभी हम परफेक्ट नहीं हुए, हम उस सिद्धता में, परफेक्शन में बढ़ रहे हैं, सैंक्टिफिकेशन में बढ़ रहे हैं ना। ये नश्वर शरीर है, हम गिर जाते हैं, लेकिन जब गिर जाते हैं तो सिर्फ गिरे नहीं रहना है, हमें पश्चाताप करना है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मदद करो कि मैं और विश्वास योग्य रह सकूं। तीसरी और आखिरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर का भय आपके बच्चों में होना चाहिए। जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है कि आपके पति और पत्नी में ये परमेश्वर का भय होना चाहिए। आजकल हम सिर्फ परमेश्वर के प्रेम प्रेम एंड फील गुड फैक्टर पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन द रियलिटी इज गॉड इज अ लविंग गॉड, बट द गॉड इज एन एंग्री गॉड ऑल्सो। एंड परमेश्वर यीशु मसीह आए, उन्होंने प्रेम दर्शाया, लेकिन अब जब वो आएंगे तो वो न्याय के रूप में आएंगे। वचन हमें हमें साफ शब्दों में बताता है, साफ शब्दों में बताता है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आभारी हैं आपके समय के लिए कि आपका वचन हमें उत्साहित करता है, आपका वचन हमें सोचने पे बाध्य करता है। और आज प्रभु आपने हम सभी से ये बांटा है कि कहीं हम दुरंगा जीवन तो नहीं जी रहे हैं। प्रभु मेरा ये विश्वास है कि आपने हम सभी से बात करी है, लेकिन इस समय प्रभु हम ये जानते हैं, मानते हैं प्रभु, हर समय इट्स अ वेरी टफ थिंग लॉर्ड,
वी ऑल स्ट्रगल विद इट एवरी डे वी स्ट्रगल विद इट लॉर्ड एंड एट दिस मोमेंट लॉर्ड आई जस्ट प्रे दिस टाइम ऑल दीज पीपल हु आर लिसनिंग लॉर्ड यू फिल देम विद योर पावर हेल्प देम टू फाइट अगेंस्ट दिस टूल दैट सेटन यूजेस इट टू हिट देम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें सामर्थ्य दें प्रभु ये तीन चीज़ें जो हमने सीखी हैं प्रभु इसको हम अपने जीवन में लागू कर सकें कि हर दिन हम ये जान सकें कि आप हमें देख रहे हैं आप हमारी कठिनाइयों में हमारे साथ हैं एंड वी थैंक यू फॉर दैट लॉर्ड बट लॉर्ड थैंक यू फॉर ऑल्सो टेलिंग अस कि जब हम वो पाप करने जा रहे हैं जब हम वो ढोंगी जीवन जीने जा रहे हैं जब हम आपके वचन के विपरीत जीने वाले हैं प्रभु तब भी आप हमें देख रहे हैं प्रभु होने दें कि ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर सकें समझ सकें प्रभु साथ ही प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए हेल्प अस टू रिपेंट व्हेनेवर वी फॉल एंड गेट बैक लॉर्ड और आपका भय हमारे जीवन में हो धन्यवाद हो प्रभु सारी बातों के लिए और प्रभु जी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु इन सभी के जीवनों को इन सभी के परिवारों को इन सभी के व्यवसायों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी आपकी उपस्थिति इनके जीवन में निरंतर बनी रहे इनकी जो प्रार्थनाएँ हैं जो ये आपके सम्मुख व्यक्तिगत रूप में पारिवारिक रूप में रखते हैं उन सभी प्रार्थनाओं को आप सुने और अपनी इच्छानुसार उनका जवाब दें प्रभु हम बस यही चाहते हैं कि जब आपका दूसरा आगमन हो तो हम विश्वास योग्य गिने जाएं एंड वी रियली वांट टू हियर दिस वर्ड फ्रॉम यू एज योर वर्ड सेज अ गुड एंड फेथफुल सर्वेंट एंटर इनटू ग्लोरी लॉर्ड टू दिस एंड आई जस्ट कमिट एवरीथिंग इनटू योर हैंड्स हर एक चीज़ मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ धन्यवाद ये समय के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन 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 सो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे एंड एक बार फिर धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट सका एंड आई होप कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात करी होगी सो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे जय मसीह की